शाम का समय था और गट्टू चिंकी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर मम्मी घर से बाहर आई। गट्टू चिंकी, बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे लगता है आंधी आने वाली है। गट्टू चिंकी मम्मी की बात सुनते ही दौड़कर पास चले जाते हैं। अब मम्मी, गट्टू और चिंकी तीनों लोग घर के गेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ जोर जोर से बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी, चलो हम लोग जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलिए। तीनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, उन्हें एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही घर की सब लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। गट्टू चिंकी डर के मारे मम्मी से चिपक जाते हैं। मम्मी ये क्या हुआ, ये अचानक से लाइट्स कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, ये अचानक से लाइट्स क्यों चली गई? गट्टू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे गट्टू तुम डरो मत। चिंकी बेटा, मुझे लगता है बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी से सब घरों की लाइट्स भी चली गई होंगी। लाइट्स जल्दी से आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी क्यों ना हम लोग कैंडल्स जलाएं, उससे थोड़ी रोशनी हो जाएगी और फिर गट्टू को डर भी नहीं लगेगा। हाँ चिंकी, ये सही कहा तुमने, चलो हम लोग कैंडल्स ढूंढ कर लाते हैं। मम्मी अपने फोन की टॉर्च जलाती है और गट्टू चिंकी को लिविंग रूम में बैठा कर अपने बेडरूम में कैंडल्स लेने चली जाती है। गट्टू चिंकी देखो मैं कैंडल्स ले आई, आओ हम लोग इन्हें पूरे लिविंग रूम में लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। गट्टू चिंकी मम्मी की कैंडल्स लगाने में हेल्प करते हैं कि तभी जोर से बिजली कड़कती है और सब डर जाते हैं। तभी कोई उनका डोर खटखटाता है। अरे चिंकी, भला इस समय ऐसे मौसम में कौन आया होगा, कहीं कोई डरावना भूत तो नहीं? अरे गट्टू तुम भला ऐसी बातें करके हम लोगों को डरा क्यों रहे हो, जरूर कोई और आया होगा। बच्चों भूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं अभी गेट खोलती हूँ और देखती हूँ कि कौन है। मम्मी जैसे ही गेट खोलकर थोड़ा पीछे हटती है, वो देखती है गेट पर कोई गीले कपड़ों में खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। गट्टू चिंकी डर से अपनी आंखें बंद करके भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तभी मम्मी उन्हें शांत कराती है। अरे बच्चों कोई भूत भूत नहीं है, जरा अपनी आंखें खोल कर इधर देखो। गट्टू चिंकी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं, सामने कोई और नहीं बल्कि पापा थे। गट्टू चिंकी तुम लोग भला मुझे भूत कैसे समझ सकते हो? हाँ मम्मी हंसने लगती है। पापा वो हम लोग लाइट जाने की वजह से पहले से ही डरे हुए थे ना, और अंधेरे में आपको देखा तो और डर गए। हाँ पापा ऐसा ही हुआ था, पर आप तो पूरा भीग गए, आप कपड़े चेंज कर लीजिए पापा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये सुनकर पापा भी हंसने लगते हैं और टॉर्च लेकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि गट्टू चिंकी और मम्मी ने पूरे लिविंग रूम्स में कैंडल्स लगा दी थी। पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लाइट्स गई है, और शायद उसे ठीक होने में 4-5 घंटे लग भी सकते हैं। ये सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी और घर के बाकी काम कैसे होंगे बिना लाइट के? अरे तुम चिंता मत करो, आज हम सब तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ मम्मी हम सब आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर गट्टू चिंकी किचन में कैंडल्स लगाने में मम्मी की हेल्प करते हैं और पापा वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर में खाना रेडी होता है, गट्टू चिंकी उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देते हैं। तभी अचानक फिर से जोर से बिजली कड़कती है और गट्टू चिंकी फिर से डर जाते हैं। गट्टू चिंकी को डरता हुआ देखकर मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, और तभी पापा को एक आइडिया आता है। बच्चों क्या तुम खाना खाते वक्त एक स्टोरी सुनना चाहोगे? किस तरह की स्टोरी पापा? पापा क्या ये कोई हॉरर स्टोरी होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं छोटा था। पापा क्या आप हमारे जितने छोटे थे ये तब की स्टोरी है? हाँ बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था,
और वहाँ लाइट केवल कभी कभी ही आती है। पापा, फिर आप टीवी कैसे देखते हैं? अगर हमारे यहाँ लाइट ना आए तब तो हम हमारा फेवरेट शो मिस कर देंगे। हाँ पापा, देखिए ना, आज भी हम टीवी देखते हुए डिनर नहीं कर पाएंगे, हमारा फेवरेट शो मिस हो जाएगा। अरे बच्चों, उस समय पर घरों में अक्सर टीवी नहीं होते थे। गट्टू जिंकी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते थे पापा, बताइए ना। हाँ ठीक है बच्चों, पर पहले ये कैंडल्स डाइनिंग टेबल पर लगाने में मम्मी की हेल्प करो, फिर मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। गट्टू चिंकी जल्दी से मम्मी की हेल्प करते हैं और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब बताइए ना पापा, क्या करते थे आप? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जानने के लिए। बच्चों, उस टाइम पे हमारे गांव में लाइट 2-3 दिन में एक बार आया करती थी और हम लोग सारे काम बिना लाइट के ही करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे और ज्यादा से ज्यादा काम शाम को अंधेरा होने से पहले ही खत्म कर देते थे। हम सब अक्सर रात में 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। क्या इतनी जल्दी सो जाते थे पापा आप, और सुबह इतनी जल्दी उठते थे? हाँ बच्चों, पहले के टाइम पे लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे, इसलिए मुझे और मम्मी को लाइट ना होने पर भी डर नहीं लग रहा है बच्चों। वाओ पापा, कितनी कमाल की बात है ये तो। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक लाइट भी आ जाती है। अरे वाह, लाइट भी आ गई। पर मुझे तो अब बिना लाइट के ही मजा आ रहा था।